हमारी दुनिया कक्षा आठ वन व वन प्राणी संसाधन प्रश्न उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा आठ भूगोल के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा तो पहला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है तो यह मध्य प्रदेश में है दूसरा प्रश्न है विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति मिलती है तो दस लाख तीसरा प्रश्न है बिहार उत्तर प्रदेश व झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उष्ण कट्टिबंधिये पतझर वन चौथा प्रश्न है, है इनमें कौन उभयचर जीव है तो कछुआ को उभयचर जीव कहा गया है पांचवा प्रश्न है इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा गया है आगे है रेड डाटा बुक क्या है तो यह विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची की एक बुक है इसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं आगे प्रश्न है देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है तो पचासी हैं अब हम खाली जगहों को भरेंगे वन है तो हम हैं दूसरा प्रश्न है कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को वानिकी कहा जाता है क्या कहा जाता है वानिकी कहा जाता है आगे प्रश्न है हिमालयन यौ से प्राप्त रसायन कैंसर के उपचार में उपयोगी होता है कैंसर का जो दवाई बनता है इसी से बनता है आगे प्रश्न है चंदन के वन उष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध और यह कहाँ मिलता है तो कर्नाटक में आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा वन पाया जाता है तो सदाबहार आगे है गौतम बुद्ध अभ्यारण गया जिला में है किस जिला में है गया जिला में आगे है वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्या कहा जाता है फेफड़ा कहा जाता है अब हम प्रश्न और उत्तर करेंगे सामाजिक वानिकी किसे कहा जाता है सड़क मार्ग रेल मार्ग नहरों बांधों आदि के किनारे बेकार पड़ी हुई तथा अन उपयुक्त सामाजिक या सरकारी निजी भूमि पर समाज की पर्यावरणीय वन आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण द्वारा वन के क्षेत्रफल में वृद्धि करना सामाजिक वानिकी कहलाता है इसके अंतर्गत जलावन पशु चारा तथा अन्य उपयोग के लिए शीघ्र तैयार होने वाले पौधे लगाए जाते हैं आप अपने गांव के देहात में देखिएगा मुखिया जी क्या करते हैं रोड के अगल बगल में पौधा लगवाते हैं इसका यह उदाहरण हो सकता है दूसरा प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के तीन प्रमुख वृक्षों के नाम लिखना है तो वह हैं इस प्रकार से सिनकोना मोहग्नी और एबोनी यह तीन प्रकार के सदाबहार उष्णकटिबंध के वृक्ष हैं तीसरा प्रश्न है किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रयस्थली का काम करता है उत्तर लिखेंगे जनजातीय वर्गों के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है जनजातियों के सभी पारंपरिक क्रियाकलाप वनों पर आधारित हैं और आज भी हम जो जनजातीय लोग हैं वह कहाँ रहते हैं तो आप अरुणाचल में देखिएगा नागालैंड में तो वहाँ जनजातीय लोग हैं जिसको हम आदिवासी कहते हैं आगे प्रश्न है उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं उत्तर लिखेंगे भारत में सदाबहार वन मुख्य जम्मू और कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड मेघालय त्रिपुरा महाराष्ट्र केरल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं पांचवा प्रश्न है वनों के कोई तीन महत्व तो बताएं तो उत्तर लिखेंगे वनों के तीन महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं पहला है वनों में हमें ईंधन इमारती वस्तु कागज उपयोग आदि के लिए कच्चे माल और लकड़ी प्राप्त होते हैं दूसरा है फल औषधीय लाह रेजनी रबर तेल बहुत सारे उत्पाद और तीसरा है वन मृदा जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होता है आगे प्रश्न है वन से आप क्या समझते हैं भारत में पाए जाने वाले वनों का विस्तृत विवरण दीजिए उत्तर लिखेंगे वन या पेड़ पौधों का विकास प्राकृतिक से रूप में होता है पेड़ पौधे घास फूस या झाड़िया इत्यादि से सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है और क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों का विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं वन कहते हैं दूसरा प्रश्न है वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के द्वारा कीजिए उत्तर है वन और जीवों के बीच बहुत गहरा संबंध है जहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें मांसाहारी जीव जैसे शेर बाघ शाकाहारी जीव हिरण हाथी उभयचर जीव मेढक कछुआ और एक होता है सरीसृप जीव जैसे सांप, छिपकिल्ली जोंक केचुआ आदि पाए जाते हैं इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं तीसरा प्रश्न है वन व वन जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करें उत्तर लिखेंगे वन व व वन जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहा है वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं इस समय देश में लगभग पचासी राष्ट्रीय उद्यान चार सौ अड़तालीस अभ्यारण्य और सोलह सुरक्षित क्षेत्र हैं बिहार में कावर झील बिहार बेगूसराय गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं